मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाली खबर आई। यहां पर एक दलित युवक की बारात पर गांव के दबंगों ने इसलिए पथराव किया क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर सवार था। इसके बावजूद कि दलित दूल्हे की बारात पुलिस के संरक्षण में निकल रही थी, दबंगों ने बारात पर पथराव किया जिसमें कई बारातियों के साथ पुलिस वाले भी घायल हो गए। घोड़ी पर दूल्हा, लेकिन दूल्हे के सर पर सेहरे की जगह हेलमेट। ये तस्वीरें आपको जरूर अजीब सी दिख रही होंगी, लेकिन तस्वीरों के पीछे हमारे समाज का शर्मनाक सच छुपा हुआ है। दरअसल ये दूल्हा दलित तबके से आता है और गांव के दबंगों ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो घोड़े पर बैठा तो उसकी शादी नहीं होने दी जाएगी। नतीजा रतलाम जिले के नेगरून गांव में ये बारात पुलिस के पहरे में निकली और दूल्हे को दबंगों के डर से सहरे की जगह हेलमेट पहनकर घोड़े पर बैठना पड़ा। दूल्हे का ये डर गलत नहीं निकला। बारात अभी कुछ ही दूर चली थी, बाराती नाच रहे थे, लेकिन तभी गांव के दबंगों ने दलितों की इस बारात पर पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में एक नायब तहसीलदार के साथ साथ 6 बारातियों को भी चोटें आई। जुलूस निकालने नहीं दे रहे हैं और जो भी है घोड़ी वालों को दूसरों को चमका चमका के भगा रहे हैं, डीजे वालों को चमका रहे हैं, जो भी है सबको चमका रहे हैं कि यहाँ ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने। हमारे गांव में सारे कोई सी समाज हुई छोटी से बड़ी सब जुलूस निकालते हैं और कोई मना नहीं करते। दरअसल गांव के दबंगों ने दुल्हन के पिता को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर उनका होने वाला दामाद घोड़े पर बैठकर आएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की के पिता ने इनकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने बार बार गांव के दबंगों को समझाया लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इधर घोड़ी निकालनी है तो साहब लोग बोले कि मैं नहीं निकालनी, तो मैंने फिर थाने में इतला कर दी, फिर मेरे कार्रवाई से काम कर दिया। दबंगों ने दबंगई तो दिखा दी लेकिन अब उन्हें सबक सिखाने की बारी पुलिस की थी। पुलिस ने पथराव करने वाले दबंगों को घरों से निकाल निकाल कर जमकर पीटा। दबंगों की जब सारी हेकड़ी निकल गई, तो पुलिस के साए में एक बार फिर बारात निकली और उसके बाद शादी की सारी रस्में पूरी की गई। और उसमें सोनिया लोगों को इतराज था कि घोड़े पे दूल्हा नहीं निकलेगा, गैर नहीं निकलेगी। पुलिस प्रशासन और प्रशासन मौके पर आकर के दोनों पार्टी को समझा दिया था, आश्वासन मिल गया था कि किसी तरह का विवाद नहीं करेंगे। पथराव करने वालों की धरपकड़ कर रहे हैं हम लोग। इस गांव में 10 साल पहले भी सवर्णों और दलितों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद से यहां सवर्णों का ही दबदबा है, लेकिन इस ताजा मामले ने साबित कर दिया है कि आखिर मध्य प्रदेश दलित अत्याचारों के मामले में पूरे देश में आगे क्यों है। सुरेंद्र मीणा, इंडिया टीवी, रतलाम।